अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डे बाई डे फॉर्मलिस्ट तो एक वन टू इस तरीके से आया भी है कुछ कोर्सेज़ का कल भी आया है फॉर्म लिस्ट वन और कुछ का फॉर्म लिस्ट टू भी आया है लेकिन आज के इस वीडियो में ऑनर्स के बारे में बताने वाले हैं और जितने भी अदर कोर्सेज का है उसके बारे में बताएं कि फॉर्म लिस्ट कौन कौन सा आया है लेकिन बी ऑनर्स की बात कर ले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट चॉइस था वो मिला ही नहीं है तो और वो काफ़ी परेशान है क्योंकि कमेंट से ऐसा लग रहा है कि मोस्टली जो ऑनर्स का जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान है तो उनका आज जो सोलूशन है वो मैं आपको प्रूफ मैं दिखाऊंगा कि जो ब्रांच है वो कैसे चेंज हो रहा है या फिर कैसे पता चलेगा आपको कि ब्रांच चेंज हुआ है या नहीं जिस टाइम आप फॉर्म फिल किए थे उस टाइम यानी ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे तो उस टाइम आपको एक आई वांट टू अपग्रेड माय ब्रांच का ऑप्शन आया था आफ्टर सेलेक्टिंग काउंसलिंग का मतलब जब चॉइस चूज़ किए थे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ, आ रहा होगा कि आई वांट टू अपग्रेडिंग माय ब्रांच तो उसमें जो जो सेलेक्ट किए थे उनका चांसेस ज़्यादा है कि ब्रांच अपग्रेड हो जाएगा लेकिन अभी हम जैसे दिखा रहे हैं डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट में जाने के बाद जैसे बी बी ऑनर्स का एक दिखाएंगे जो फॉर्म लिस्ट वन और फॉर्म लिस्ट टू है इन दोनों फर्क क्या है और इससे आप क्या समझ सकते हैं जैसे अभी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जा रहे हैं और इसके बाद अभी इसके बाद जो है देखिए मैं दो लिस्ट दिखाऊंगा ये जो फॉर्म लिस्ट वन आया और फॉर्म लिस्ट टू तो लिस्ट वन पहले हम चेक करते हैं अगर आप फॉर्म लिस्ट वन का रिजल्ट चेक करेंगे इसमें और इसमें देखेंगे तो मेन सब्जेक्ट जो मिला है जिससे स्टूडेंट्स का वो इस तरीके से मेंशन है इन सारे मतलब जितने भी स्टूडेंट्स का नाम आया है तो ये रहा फॉर्म लिस्ट वन के अकॉर्डिंग और ये जो पी है वो दस पेजेस का है तो आप वो तो आप खुद भी मतलब उतना देखना थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम बी ऑनर्स के बारे में बता रहे अब हम आप तो ये देख लिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या चीज़ है यहाँ पर यही चीज़ आप देख लीजिए एक बार क्योंकि अब हमें फॉर्मलिस्ट टू दिखा रहा हूँ अब फॉमलिस्ट टू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फॉर्मलिस्ट टू में जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये भी फिर डाउनलोड होगा और फिर जस्ट ओपन करने के बाद देखिए फॉर्मलिस्ट टू में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये जो लिस्ट है वो लिस्ट टू है पहली चीज़ लेकिन हाँ वहाँ आपको दिख जाएगा अब जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है वो जैसे ये अभी फॉर्मिलिस्ट टू में जो स्टूडेंट्स का नाम आया है मतलब ऑलमोस्ट जो वेटिंग में है उन्हीं का ही आया होगा क्योंकि अच्छा उसमें भी ये इंपॉर्टेंट क्या ये देखिए ये जो लिस्ट है आगे जो लिस्ट में नाम है और क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना पाँच से सात पेज का है तो इसमें क्या कहा जा रहा है अपग्रेडेड मेन सब्जेक्ट तो यानी कि जो फॉर्म लिस्ट वन में जिस स्टूडेंट्स का नाम आया है उसी का ही मेरे ख्याल से ये जो है वो अपग्रेडेड लिस्ट है क्यों क्योंकि उन स्टूडेंट्स का रोल नंबर के हिसाब से है अब अगर कैसे समझेंगे देखिए जिस तरह स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए और जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर अभी भी क्या दिख रहा है आपको अपग्रेडेड लिस्ट ही दिख रहा है इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी अभी अभी तक आपको अपग्रेडेड लिस्ट ही दिखा अब इसके बाद जस्ट हल्का से नीचे फिर से अब आएंगे तो यहाँ पे जो आप जो दिख रहा है ये देखिए फॉर्मलेस टू और ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट जैसे वहाँ था मतलब सब्जेक्ट इनको जो मिला है उस रोल नंबर के हिसाब से ये तो ये देखिए इस तरीके से उन्हें स्टूडेंट्स को मिला है तो इससे होम साइंस कुछ का मिला है कुछ का मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर होम साइंस है मैथमेटिक्स है फिजिक्स है स्टैटिक्स है तो फॉर्मलिस टू में तो ज़्यादा स्टूडेंट्स का नाम नहीं आया एटलीस्ट लग रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी uh, से थर्टी के बीच का में मतलब नाम आया है तो इससे मुझे एक चीज़ बड़ा क्लियर समझ आ रहा है कि अभी जिस जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट चॉइस था उनका हो सकता है कि जो मतलब आप ग्रेडिड लिस्ट कह सकते हो सकता है कि फॉर्म लिस्ट टू जो है उसमें आपको पता चल जाए कि हाँ हमारा फ़र्स्ट चॉइस कौन सा मिला है तो ये तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा दूसरा अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आप एम के की हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करिए बट हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका सही सॉल्यूशन क्या है बट अभी तक के हिसाब से जो लिस्ट आए हैं उसके हिसाब से तो एक चीज क्लियर हो रहा है कि फर्म लिस्ट टू में ही अपग्रेडेड ग्रेडेड लिस्ट आ रहा है फर्म लिस्ट वन वाले स्टूडेंट्स का अब वो जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं वो खुद ब खुद चेक कर लेंगे तब उनको क्लियर पता चलेगा अब इसके बाद अगर हम बात कर ले जो पेमेंट के लेकर रिसीव होगा ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स का तो वो पेमेंट के रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाई है जो क्लास इलेवन के बेस पर बनाई थी तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा सेम उसी प्रोसीजर पर पे आपको पेमेंट करते रहना है मतलब पेमेंट कर देना है इस तरीके से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में देखेंगे तो जो भी बी ऑनर्स बॉयज़ का और बी ऑनर्स गर्ल्स का भी लिस्ट आया हुआ है इसमें मदरसा मदरसा बैकग्राउंड का भी है तो अभी हम इसमें भी कुछ थोड़ा चेक कर लेते हैं इसमें भी कुछ वैसा चेंजेस नहीं है लेकिन ये है कि हम क्योंकि ये अगर फॉर्मलिस्ट टू में देखेंगे तो कुछ फ़र्क दिख रहा है इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी इसमें भी देखिए तो मतलब ओवरऑल देखिए तो जो मेन सब्जेक्ट जो अभी के हिसाब से मेन सब्जेक्ट मिला है इन स्टूडेंट्स का बट थोड़ा नोटेबल ये भी है कि जो फॉर्म लिस्ट जो लिस्ट टू आया है उसमें ये ऐसा हुआ है कि जो लिस्ट वन में मतलब कुछ ही स्टूडेंट्स का नाम है जैसे अपग्रेडेड जो लिस्ट है उसमें कुछ ही स्टूडेंट्स का नाम है तो ये थोड़ा भी कहना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा ब्रांच किसको क्या मिल रहा है ये फर्स्ट ऐसे ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स का फर्स्ट चॉइस नहीं मिल पाया है अब बात जहाँ रही वेटिंग लिस्ट का तो कितना क्लियर क्लीयर ये भी थोड़ा एग्जैक्ट फिगर में बताना मुश्किल हो रहा है क्यों क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि हमारे एट हंड्रेड के आसपास वो वो भी क्लियर हो गया है कुछ लोग बोल रहे हैं नाइन हंड्रेड के आसपास भी क्लियर हो गया क्योंकि आप अगर कमेंट में देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग का अलग अलग मतलब रिप्लाई आ रहा है कुछ लोग कह रहे हैं हमारा वन फिफ्टी था वो भी वेटिंग क्लियर हो गया तो अब ये थोड़ा एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है लेकिन हाँ ये कि ओवरऑल देखें मैं फिर से कह दूँ वेटिंग इस बार काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाला है अभी तो ये देखिए कि फॉर्म लिस्ट आया तो उसमें बहुत सारे बच्चा हो सकता है एडमिशन ही न ले क्यों क्योंकि उनको ऐसा लगेगा भाई हमारा फर्स्ट चॉइस तो मिला ही नहीं है बट फर्स्ट चॉइस मिल फर्स्ट चॉइस तो नहीं मिल पाएगा लेकिन ये होगा कि जो उनका एक लिस्ट मिलता है ना जैसे एक स्क्रीन शॉट आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त स्टूडेंट्स ऑनलाइन काउंसलिंग किए थे तो उस वक्त ये उनका चॉइस फिलिंग इस टाइप से था तो उनका हो सकता है कि इस वजह से भी लोग साइड होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट चॉइस नहीं मिल पाया है लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है तो जो मिला वही उसी पे ही रह जाएगा ऐसे भी नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि हो सकता है किसी को इस्लामिक स्टडीज मिला हो या किसी को एजुकेशन मिला हो तो अब जो है ना वो ब्रांच अपग्रेड हो के मे बी फर्स्ट बट ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि जो भी मुश्किल तो क्या सोलूशन पे आते हैं जैसे जिनका फर्स्ट चॉइस अब बाईन स्टूडेंट्स का फर्स्ट चॉइस फर्स देखा जाए तो कंपेरेटिव इंग्लिश है तो हो सकता है इनका फ़र्स्ट नहीं मिला हो तो मे बी जोग्रफी मिला होगा या पर्सन मिला होगा तो अपग्रेड हो सकता है ई जोग्राफी हो जाए तो ये चॉइसेस के बेस पे हो सकता है आपका ब्रांच अपग्रेड हो बट इसके लिए ओवरऑल अभी कंफर्म तब पता चल पाएगा जब आपके एम uh, यू के ऑफिसल से वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन आए बट ये ओवरऑल ब्रांच तो अपग्रेड होगा ही होगा क्योंकि हाँ ये है कि ब्रांच अपग्रेड जिन फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस कब क्लियर होगा ये देखा जाएगा कि जिनका जो मार्क्स है uh, मतलब मोस्टली जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको फर्स्ट मिलेगा जिन स्टूडेंट्स का जैसे रैंक जिसका बहुत मतलब एक से लेकर सिक्सटी के आसपास है uh, जो मेन कोर पेपर में है एम uh, यू में तो उनका हो सकता है फर्स्ट चॉइस मिल जाए तो इस तरीके से वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा और अपग्रेड तो होगा हो ही होगा ऐसी बात नहीं है सो so, अब हम आ रहे हैं किसी और कोर्सेज पे इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एमएसडब्ल्यू का भी फॉर्म लिस्ट आया है बी का भी फॉर्म लिस्ट आ चुका है और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का भी फॉर्म लिस्ट वन आ चुका है अब अगर फैकल्टी ऑफ लैम में देखेंगे तो यहां पे भी इस तरीके से फॉर्म लिस्ट वन आ चुका है अब हम इसे इससे थोड़ा लास्ट में एट द एंड में मैं ओपन करके दिखा देता हूँ इस तरीके से इनका भी देखेंगे तो यहाँ पे इस बार इन्होंने कोर्ट के नाम से इंडिकेट किया है और ये इन सारे बी एल के स्टूडेंट्स को मिला है सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और मैं खासकर फिर से रिमाइंड कर हूँ तो पेमेंट को लेकर इशू हो सकता है अभी तो जब तक एम अभी वो पेमेंट वाला जो पोर्टल है उसको अपग्रेड नहीं करेगा तब तक पेमेंट तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा तो मे भी हो सकता है आज आफ्टरनून से स्टार्ट हो जाए आपका जिन कोर्सेज का जो शेड्यूल में टाइमिंग मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है आज आफ्टरनून से हो जाए बट ये कि फिर भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है वो जैसे ही वेबसाइट अपडेट होगा आप पेमेंट करना शुरू कर देंगे पेमेंट किस तरीके से करना है उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई है वो देख लीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एम को अपडेट्स बने यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए